ओम एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं हूँ शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। शुभ दीपावली। दीपावली सबको शुभ रहे। कैसे शुभ रहे ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दखल न्यूज़ के जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, दीपोत्सव का पर्व आज हम मना रहे हैं, उन सभी दर्शकों को दीपोत्सव दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, दीपावली सबके लिए शुभ रहे, तो क्या करें, कैसे करें माँ लक्ष्मी का पूजन, और माँ लक्ष्मी के साथ श्री गणेश जी और माँ सरस्वती को कैसे विराजमान कराएं? बिल्कुल, देखिए, जैसा हम जानते हैं कि ये पंच दिवसीय महापर्व है और आज तीसरा दिन है, यानी दीपोत्सव का पर्व है। पहले दिन आपने धनतेरस पे भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की, अगले दिन नरक चतुर्दशी थी, यानी जिसको हम करक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के रूप में भी मानते हैं। तो आपने जो है छोटी दीपावली आपने मनाई, दीपक दान किया, यम की पूजा की, यानी मृत्यु के देवता से आपने उस भय से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। आज दीपावली है। देखिए, दीपावली हम सभी जानते हैं हमारे देश में मनाई जाती है, उसके अलग अलग कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, चूंकि रामचंद्र जी जब अयोध्या का 14 वर्ष का वनवास काट के वापस कर लौटे थे, तो उन्होंने जो है उनके आगमन के उसमें अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, तो उसको हम दीपावली कहते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है। बिल्कुल। और आप देखिए, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। और आप देखिए कि आज हमेशा आप जब देखेंगे, जब भी दीपावली आता है, ज्योतिष और हमारे पंचांगों के अनुसार इस दिन स्वाति नक्षत्र होता है जी। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में माँ जगत जननी तो इस ब्रह्मांड में उनका प्राकट्य हुआ था, जिसके कारण इस पूरे ब्रह्मांड में धन संपदा वैभव सुख इत्यादि का आगमन हुआ। तो आज माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में हम आज इस पर्व को मनाते हैं। तो इस पर्व को इस प्रकार से भी मान लीजिए कि अंधकार पर विजय का ये पर्व है। माने आप देखिए कि अमावस्या यानी जब सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ होते हैं, तब सारी अदृश्य शक्तियां एक जगह इकट्ठी होती हैं, घोर अंधकार होता है। तो उस समय एक ज्ञान का दीपक जलाया जाता है, जो पूरे तमस यानी अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो तमस को समाप्त करना है और माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना है। सभी देवता और सभी श्रीहीन हो गए थे उस वक्त, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति के अवसर पर हम ये दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। पंडित जी हमको बता रहे थे, पंडित जी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि दीपावली वाले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें और माँ लक्ष्मी के पूजन की तैयारी कैसे की। बिल्कुल, देखिए, आपको अपने घर में माता को बुलाना है तो सबसे पहले आपको अपने घर को, देखिए, कोई भी आपके घर अतिथि जब आगमन करता है तो आपका घर स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हालांकि लोग दीपावली से पूर्व भी सफाई करा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि कामकाजी व्यक्ति होते हैं, 24 घंटे जिनकी ड्यूटी करनी है, आजकल का दौर तो ऐसा ही हो गया जिसमें लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी भी काम करती है और पति भी काम करते हैं विष्णु स्वरूपा, तो दोनों विष्णु और लक्ष्मी काम में लगे रहते हैं। तो आप अपने घर को जो है स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाइए। आम के पत्ते का तोरण बनाया जाता है, अमूमन इसलिए माना जाता है, आम का पत्ता इसलिए लगाया जाता है, उसके पीछे का कारण होता है क्योंकि उस समय, इस समय जब तमस होता है, छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं वो आम के पत्ते पर आकर चिपक जाते हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई जीवाणु अंदर नहीं जाएगा। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण बनाइए आम के पत्तों का, संभव हो तो बाहर, घर के बाहर केले के पत्ते लगा लीजिए, आज के दौर में वो संभव नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर से पोस्टर चित्र इत्यादि आते हैं तो भगवान गणपति के, और सारी आप बंधन बार लगाइए और अपने घर के मुख्य द्वार को सजा लीजिए। घर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर सी माँ के चरणों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर से हमारे जो बच्चे रंगोली बनाई जाती है, तो आप रंगोली बनाएं। घर के दोनों मुख्य द्वार पर दीपक के स्थान को निर्धारित कर लें। इसके बाद आपको सबसे पहले आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। देखिए, शाम का जो मुहूर्त है प्रदोष काल, सायंकाल माँ की पूजा अर्चना की जाती है। शाम को लगभग 7 बजे से, कुछ जगह 7:30 बजे होगा, कुछ जगह शाम को 7 बजे होगा, तो शाम को 7 बजे आप माता महालक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें, क्योंकि उस समय वृषभ लग्न। पंडित जी, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न आ रहा है कि प्रतिष्ठान में
कब पूजा करें और घर में कब पूजा करें, क्योंकि प्रतिष्ठान में पूजा करके घर पर आके पूजा करें या घर से जाकर प्रतिष्ठान में पूजा करें, इसके लिए थोड़े से जो हमारे दर्शक हैं थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, हमेशा पहले प्रतिष्ठान में ही पूजा की जाती है जहाँ से आपको लक्ष्मी यानी श्री की प्राप्ति होती है, और दूसरे आप अपने घर पे आना है क्योंकि आपको लक्ष्मी को श्री को अपने घर में स्थिर भी करना है, तो आप पहले प्रतिष्ठान में पूजा अर्चना कर लें, तदुपरांत आप अपने घर आकर एक बार पूजा अर्चना कर लें, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है, ऐसे करें आप। तो प्रतिष्ठान में कितने बजे पूजा कर, प्रतिष्ठान का जो मुहूर्त है दोपहर का मुहूर्त है, आप दोपहर में आप उस समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। लगभग तो कुंभ लग्न रहेगा तो कुंभ लग्न में पूजा अर्चना करना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है, तो आप दोपहर में पूजा अर्चना करें बहुत ही लाभकारी होगा। आप अपने घर में जहां आपका प्रतिष्ठान हो, ईशान कोण, खासतौर से जो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा होती है, वहां पर माता लक्ष्मी और गणपति की आप स्थापना करें। गणपति इसलिए क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती हैं, भगवान गणपति बुद्धि के देवता होते हैं, वो श्री को स्थिर रख देते हैं। एक पंडित जी सवाल बार बार मन में आता है कि लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए या खड़ी हुई, घर में कैसी हो और प्रतिष्ठान में कैसी हो? देखिए, आपको लक्ष्मी जी को स्थिर रखना है दोनों जगह जी, तो आपको दोनों जगह बैठी हुई लक्ष्मी को ही बिठाना चाहिए और लक्ष्मी यदि खड़ी हुई जी, तो आप मानकर चलिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी आती जाती बनी रहेगी, तो आप लक्ष्मी को बड़ा उनको रखना बहुत जरूरी है, तो बिठा कर रखें और खासतौर से कमल के आसन पर यदि वो बैठी रहेंगी, क्योंकि वो प्रगट भी कमल के आसन पर बैठकर ही हुई थी, बेहद शुभ मानी जाती है, बेहद शुभ मानी जाती है, तो आप उनको उस स्वरूप में पूजा अर्चना करें। तो पंडित जी, पूजा की शुरुआत कैसे करें, क्या आसन लगाएं, क्या चौकी पर? देखिए, आप ईशान कोण में जहाँ भी आपका प्रतिष्ठान है जहाँ पर है, तो आप एक लकड़ी की, हमेशा लकड़ी का पटा, आम की लकड़ी का हो या जो भी अच्छी लकड़ी का पटा हो, आप उसको रखें, उस पर लाल रंग के वस्त्र लें। सबसे पहले पटे के नीचे थोड़ी सी चावल की ढेरी जरूर लगाएं, चूंकि हमारे यहाँ पूजा में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व होता है, तो चावल की आप ढेरी लगा लीजिए। लकड़ी के पटा पे आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर भी थोड़े से अक्षत यानी चावल रखें, जो कि हम उनको आसन देने के लिए हमेशा बुलाते हैं, तो गणपति और माँ लक्ष्मी के लिए आप वहाँ पे करें। तदुपरांत दोनों की प्रतिमाएं आप वहाँ पर रखें। पंचोपचार से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं तो बेहद शुभ है, यानी दूध दही घी शहद और शक्कर के साथ। नहीं हो सकता है तो आप केवल आप जो है गंगा जल से भी, या नर्मदा जल, या जो भी शुद्ध जल मार्केट में आजकल हर छीटा दे दें, उनको सिंदूर लगाएं। माता को इत्र बहुत पसंद है, तो आप इत्र यानी सुगंधित द्रव्य जरूर चढ़ाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहते हुए आप उनको इत्र चढ़ा दीजिए। तदुपरांत उनको कमल का पुष्प बहुत पसंद है, गुलाबी रंग का कमल आपको बाजार में बहुत बहुतायत में मिल जाता है, तो आप वो चढ़ा दीजिए। गणपति जी को गुलाब के पुष्प चढ़ा दीजिए, सुगंधित चढ़ाए जाते हैं, सुगंधित पुष्प आप चढ़ाइए। तदुपरांत माता को खीर बहुत पसंद है, दोनों को खीर बहुत पसंद है, तो खीर मखाने या किसी भी चीज़ का भोग लगा दें, लड्डू का भोग लगा दें। तदुपरांत माता के सामने आप प्रार्थना करें। यदि आप अपने पूजा प्रतिष्ठान में हैं तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त माने माता लक्ष्मी के 16 मंत्र, जिससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं, तो आप 16 मंत्रों का पाठ करें। स्वयं ना कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर आप उनसे भी पाठ करा सकते हैं। तदुपरांत माता की आरती करें, और वहाँ पर आप जो आपने बाजार से यानी धनतेरस पे आप जो सिक्का या चीज़ लेकर आए हैं, एक प्रतिष्ठान के लिए भी लाए होंगे, तो उनके चरणों में आप अर्पण करें, कुबेर जी का ध्यान करें। इस प्रकार से आप अपने प्रतिष्ठान में पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो प्रतिष्ठान की बात हो गई, प्रतिष्ठान में माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि घर पर भी माँ लक्ष्मी की पूरी भरपूर कृपा रहेगी। अब घर में कैसे पूजन करें, घर में पूजन का विधान क्या होना चाहिए, और गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी माँ सरस्वती को कैसे विराजमान कराएं, और कलश स्थापना और जो फल मिठाई हमें भोग में लगानी चाहिए वो? देखिए, घर में क्या होता है, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी को भी बिठाया जाता है। हमारे यहाँ जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें से एक देवी हैं जिनको श्री विद्या कहा जाता है। श्री माने लक्ष्मी और विद्या माने सरस्वती, तो विद्या इसलिए जरूरी है कि आप में ये सोच विचार की शक्ति निर्मित हो कि आखिरकार जो माता लक्ष्मी आपके घर पधारी हैं, उनको कैसे संभालना, उनको कैसे आप संभालें और कैसे स्थिर रख पाएं। तो उनको स्थिर रखने के लिए हमको माता महासरस्वती की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करें, लकड़ी का पटा लें जो आपने वहाँ पर लिया, उसके ऊपर एक बार पुनः लाल वस्त्र आप बिछाएं। लाल वस्त्र में आप एक चीज़ का ध्यान रखें
एक तरफ आपको गणपति जी बिठाना है माने सीधे तरफ जी, और उनके बीच में माता महालक्ष्मी हैं और एक तरफ माता महासरस्वती हैं। लक्ष्मी जी को बीच में रखना है कि दोनों बुद्धि के जो देवता हैं उनके बीच में वो माँ लक्ष्मी रहे तो सदी रहेंगी, सदी रहेंगे आपके घर में स्थिर रहेंगे। तो आप इस प्रकार से रखें, फिर पंचोपचार यानी दूध दही घी शहद और शक्कर से आप उनकी पूजा अर्चना करें। पान जरूर आप लगवा के लाइए, माँ को पान का बीड़ा भोग में लगाया जाता है तीनों के लिए, माने तीन पान लगवा के लाइए जो कि सुगंधित हों, तंबाकू वाले ना लाए, सुगंधित यानी चूना और तंबाकू छोड़ दें, बस मीठा पान, मीठा जिसमें सुगंधित चीजें डली हों, किमाम जैसी चीजें यानी जरदा जैसी चीज नहीं होना चाहिए जो कि तीखापन लाती है, इसको पूजा में लेके आए, पंचोपचार से पूजा करें। मखाने का खास तौर से प्रयोग अवश्य कीजिए, बादाम का प्रयोग अवश्य कीजिए। ये श्री विद्या साधना में हमेशा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां हैं। बाकी आप जो भी सारी चीजें आप बना रहे हैं वैसे आप पूजा अर्चना करें, लेकिन विशेष तौर पर इन सामग्रियों को जरूर आप, फलों में माँ लक्ष्मी को अनार बेहद अनार सबसे ज्यादा पसंद है, तो अनार इस समय बहुतायत में मिलता है, सेब यानी एप्पल भी बहुतायत में मिलता है, तो आप ये चढ़ाइए और सुगंधित माला यानी सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल आप अवश्य करिए, पूजा करिए। लेकिन घर में आपको क्या करना है, एक विशेष चीज़ जो दखल न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र हमारे आदि शंकराचार्य महाराज जी ने रचा था, वो भी 16 ऋचाओं का ही है, तो आप जब उसको घर में पढ़ेंगे तो आपके घर में कभी जो कनक रूपी स्वर्ण है वो आपके घर में हमेशा स्थिर रहेगा, तो कनक धारा के रूप में आपके पास हमेशा स्थापित रहे, इसलिए आप कनक धारा पढ़ें, श्री सूक्त पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी जरूरी है, इसलिए पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है, तो आप भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी इत्यादि की आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपको आपके जीवन में श्री की कमी कभी नहीं। माँ लक्ष्मी के सामने जो हम अखंड दीप जलाते हैं, अमावस्या की चूँकि रात होती है अखंड दीप जलाया जाता है, तो वो सरसों तेल का होना चाहिए या घी का? देखिए सरसों का तेल अमूमन इस्तेमाल करते हैं चूँकि कड़वा तेल होता है, इस समय कीटाणु जीवाणु बहुतायत में उत्पन्न होते थे उस जमाने में, आज के दौर में तो मस्किटोस के रिपेलेंट आ गए हैं, तो वो कड़वा तेल जलाया जाता था ताकि घर के जीवाणु कीटाणु दूर हों, स्वस्थ हम रहें, इसलिए कड़वे तेल यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के दौर में उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप संपन्न हैं सुखी हैं तो अखंड जो घी का जलाएं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जी। पर जी अब बात करेंगे हम 12 राशि की, तो कौन सी राशि वालों को किस मंत्र से जाप करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना? बिल्कुल, देखिए माता महालक्ष्मी के जो सारे मंत्र हैं और खासतौर से मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि जो कि मंगल के स्वामित्व की राशि है, तो आप क्या करें आज के दिन अनार जरूर आप माता रानी को अर्पित करें और माता का महामंत्र है बिल्कुल साधारण सा ओम ह्रीम श्रीम, ये उनका बीज मंत्र है, आप इससे माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे तो मेष और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। वृषभ और तुला राशि जिनका स्वामी शुक्र है उनके लिए आपको एम नाम की जो बीज शक्ति है उसको जरूर लगाना चाहिए, ओम एम ह्रीम श्रीम, तो ये इस मंत्र का आप जाप करें और साथ में सुगंधित चीज आज माँ को जरूर चढ़ाइए, इत्र इत्यादि चढ़ाने से और माता को सौभाग्यवती चीजें चढ़ाने से माँ बेहद प्रसन्न होती हैं, खासतौर से आप जो है उनको वैवाहिक जिसमें श्रृंगार का जो सौंदर्य का सामान साड़ी सिंदूर चूड़ी बिल्कुल आप चढ़ा दीजिए। बात आती है मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों की, तो माँ चूंकि कमल के आसन पर विराजमान है तो उनका एक बहुत सुंदर सा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम कमलालये नमः, तो कमल के आसन पर वो विराजमान हैं तो आप उनके लिए और साथ में आपको केला या आपको जैसा मैंने तांबूल यानी पान की बात की थी तो आज मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों को जरूर चढ़ाना चाहिए। बात आती कर्क राशि वाले जातकों की, तो कर्क राशि में आपको क्या करना है, देखिए कर्क यानी चंद्रमा और फिर आपको माँ सरस्वती की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ओम एम श्रीम ये बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है जिसमें माँ जो लक्ष्मी है वो बाल स्वरूप में है, तो 8 वर्ष की हैं तो आपको ओम एम श्रीम इस मंत्र का आप जाप करेंगे और आपको क्या करना है श्वेत रंग यानी खीर या मखाने इत्यादि का आप माँ को भोग लगाएंगे तो माँ बेहद प्रसन्न होगी। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातक क्या करें,
आपको पूरा माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या होगा? ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी देवी नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे और आपको क्या करना है, माँ सिंह राशि की स्वामिनी है जी। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़, ख़ास तौर से लाल रंग से जुड़ी हुई जो चीज़ है तो माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है, लाल रंग का सिंदूर है, महावर है इत्यादि, आप ज़रूर उनको अर्पित करेंगे तो बहुत लाभ होगा। बात करते हैं हम धनु और मीन राशि वाले जातकों की, क्योंकि दोनों का स्वामी गुरु है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त जिसको मीन और धनु राशि वाले जातकों को अवश्य आज पढ़ना चाहिए और साथ साथ भगवान माता को आज केले या कोई भी पीला फल जिसमें पपीता इत्यादि भी हो सकता है, इसका आप भोग लगाएंगे, बहुत लाभकारी होगा। वहीं मीन राशि, वहीं कुंभ और मकर राशि वाले जातक जो शनि के स्वामित्व वाली हैं, और आप देखिए कि आज दीपावली है, कल से ही शनि महाराज मार्गी हुए हैं मकर राशि में, तो उनके लिए बहुत ही शुभ है। तो आज के दिन आप कमल, आप देखेंगे एक जामुनी रंग का भी बड़ा खूबसूरत आता है, तो यदि आपको मिल सके तो जरूर सफेद गुलाबी और जामुनी रंग के कमल आते हैं, तो ये आप कमल के पुष्प माता को अवश्य चढ़ाइए, इससे माँ प्रसन्न होंगी। और आपके लिए मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी हुम फट स्वाहा। इसमें हुम और फट दोनों जो है बीजात्मक शक्तियां हैं, आप इनका इस्तेमाल करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, इससे माँ जगत जननी आपसे बेहद प्रसन्न होगी। पंडित जी, ये हो गई 12 राशियों की बात, खेल खिलौने और प्रसाद में बतासे ये सब भोग में लगाए जाते, इसकी क्या प्रथा है, क्यों लगाने चाहिए? देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था, आज जैसे तरह तरह की मिठाइयाँ हमारे यहाँ मिल जाती हैं, प्राचीन काल में नहीं मिलती थी, तो खिलौने जो बनाए जाते थे वो शक्कर के बनाए जाते थे, सफ़ेद रंग और पिंक कलर आप देखोगी और पीले पीला रंग, रंग का। हाँ। देखिए, पिंक माने माता महालक्ष्मी, पीला कलर यानी नहीं गणपति जी के साथ साथ विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। तो आप देखिए वो दोनों को रिप्रेजेंट करता था, उसमें लंबे भी होते थे, आकृति भी बनी होती, घोड़े बने होते थे, हाथी बने होते थे, तो ये सब माता को बहुत पसंद होते थे। अच्छा, चावल के जो खील होती थी वो अक्षत से जुड़ा हुआ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अक्षत यानी चावल बहुत पसंद है, उसको आप कैसे अपने श्री मुख में लेकर प्रसाद के रूप में आप पा सकते हो, क्योंकि चावल को साधारणतः नहीं खाया जा सकता और आज के दिन चावल बनाए नहीं जाते, इसलिए उसको हम उस स्वरूप में प्रकट करते हैं। तो दो हमारे यहाँ प्राचीन काल में लकड़ी की मिट्टी की वो डुबलियाँ आती थी, जिनको माता के सामने रखा जाता था, उसमें खील भर के रखी जाती थी और उसके ऊपर खिलौने रखे जाते थे, वो माँ को प्रसन्न करने के लिए होते थे। आज के दौर में लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप ज़रूर करिए, इससे माता बहुत प्रसन्न होते हैं। पंडित जी ने हमको बताया कि दिवाली पे हमको कैसे पूजन करना चाहिए और 12 राशि वाले कौन सी राशि को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, ये पंडित जी ने हमको बताया है। आपकी दिवाली शुभ हो, आप इसी विधि विधान से पूजा करें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। शुभ दीपावली, आप हमारे साथ बने रहिए दखल न्यूज़ पर। देख रहे हैं दखल न्यूज़।